अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मलेशिया कॉलिंग वीज़ा अपडेट्स, मलेशिया की कॉलिंग ओपन है या नहीं, मलेशिया की कॉलिंग लग रही है या नहीं, मलेशिया की कॉलिंग अगर लग रही है तो कौन कौन सी फील्ड में लग रही है और कौन कौन सी कंट्री के लिए लग रही है, इन सब टॉपिक पर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, चलें मैं आपको लेकर चलता हूँ मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर कीजिएगा। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपने गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स, आपने लिखना है imi.gov.my, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसे आपने ओपन कर लेना है, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये ऑनलाइन सिस्टम ट्यूटोरियल, ट्रैवल स्टेटस चेक, यहाँ पर सब लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो हमने चेक करना है कॉलिंग वीजे के लिए, तो मैं ये द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ द इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया, मैं इसको क्लिक करता हूँ। उन्हें कॉलिंग वीजे के लिए चेक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं फॉरेन वर्कर के लिए चेक कर रहा हूँ, तो मैंने क्लिक कर दी। आप इसको फ्रेंड्स रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो कंट्री हैं जिनके लिए मलेशिया ने वीज़े खोले हुए हैं, उनमें थाईलैंड है, थाईलैंड में फीमेल भी है और मैन भी है, कंबोडिया में भी फीमेल मेल है, नेपाल में भी, म्यांमार में भी, लॉस में भी, वियतनाम में भी और फिलिपीन में मेल फीमेल नहीं है, आप देख सकते हैं ओनली मैन है। फिलिपीन से, पाकिस्तान से फीमेल मेल, श्रीलंका, तुर्कमानिस्तान, अजबकस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, इन सब में कॉलिंग वीज़ा ऑन है, ठीक है फ्रेंड्स। इंडोनेशिया, बांग्लादेश में भी है। तो आप देख सकते हैं इनमें जो इंडिया में है, कंस्ट्रक्शन, सर्विस, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, इन सब में ऑन है। अब यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं, इंडोनेशिया मेल वर्कर्स आर अलाउड टू वर्क इन ऑल सेक्टर्स एक्सपेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल इंडोनेशिया वुमेन कैन वर्क इन ऑल सेक्टर्स। आपने समझ गए कि ये सिर्फ इंडोनेशिया में है मेल वर्कर्स के लिए है, कि वो फीमेल वर्कर्स ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। तो ये फार्मिंग का है बांग्लादेश के लिए, आप यहाँ पर इनकी ये रीड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। एप्लीकेशन प्रोसीजर ये जो है इनका, ये फेज वन एंड फेज टू है। इसमें आपको कोविड की थ्री डोज लगी हुई होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट जो है वो 18 मंथ से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए, आप देख सकते हैं, आप इसको डेट भी कर सकते हैं। 18 मंथ से ज़्यादा यानी 1.5 साल का आपका पासपोर्ट होना चाहिए। आपके फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, 3 अदर फोटोग्राफ, और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस 3 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 3 मंथ से ज़्यादा से मुराद फ्रेंड्स 3 माह के अंदर अंदर हुई होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपका मेडिकल भी हुआ होना चाहिए, ये आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप रीड भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ कि किस किस सेक्टर में कौन कौन सी कितनी कितनी और क्या क्या फीस है, ठीक है फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चर में 1850 रिंगर है, ठीक है, ये लेवी फीस है, ठीक है। और लेवी सभा सरावा में है जो 1010 है, और PLKS है ये प्रोसीजर है 125 रुपये है, तो वीज़ा आपको लग जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये ओरिजिनल फीस है, कंस्ट्रक्शन 1850। तो अगर हम सभा सरावा में बात करें कंस्ट्रक्शन की 1010 है, सेम है। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो जो केएल में है वो 640 रुपये फीस है, और 590 सभा या सरावा में है, सभा सरावा यहाँ सिटी के नेम है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये इनके प्रोसीजर 125 60 इनके जो प्रोसीजर के होंगे एग्रीकल्चर के 640 हैं, ये केल के एरिया में है सब 410 हैं सबा सरावा में, बाकी सेम वैसे ही सर्विस में भी यही 1850 में 1850 है केल के एरिया में और सबा सरावा में 1490 है। ठीक है फ्रेंड्स, और सर्विस आप देख सकते हैं 1850 10 10। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह इंडोनेशिया का वीज़ा जो आप जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको ये पड़ेगा इतने का 15 इसकी फ़ीस होगी, और आप देख सकते हैं इसकी बॉन्ड में जो फीस जब आ जाएगी तो ये 200 अगर इंडोनेशिया का देखें 265 बन जाएंगे, अगर बांग्लादेश का देखें तो 520। इस तरह आपने टोटल ये कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी फ़ीस लगी हुई है। थाईलैंड की भी आप देख सकते हैं, थाईलैंड का यह फ्री लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं वीज़ा फ्री है थाईलैंड के लिए, तो इसकी फ़ीस जो होगी वो ओनली 250 होगी थाईलैंड के लिए। ये सब भाई आ सकते हैं, वियतनाम भी ये आप देख सकते हैं, आप रीड भी कर सकते हैं इनको। ये मलेशिया ने कालिंग वीज़ा ओपन किया हुआ है, अब कालिंग वीज़ा थोड़ा डिले हो सकता है वो इस वजह से, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि मलेशिया ने रीहायरिंग प्रोग्राम भी ओपन किया हुआ है जिसकी वजह से काम उस साइड में भी चल रहा है, तो इसलिए कालिंग वीज़ा थोड़ा लेट हो सकता है, जैसे प्रोसीजर टाइम थोड़ा बढ़ा दिया गया, जैसे पहले होता था एक माह या दो माह के अंदर आ जाता था, लेकिन अब 3-4 माह से ऊपर जा रही है बात। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख भी सकते हैं ये एग्रीकल्चर के लिए ये सेक्टर हैं, तो ये इन सेक्टर में ये आप देख भी सकते हैं, ये मलेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस पर आया हूँ, आप देख भी सकते हैं मलेशिया ने कालिंग वीज़े बंद नहीं किए हुए, मलेशिया ने कालिंग वीज़े खोले हैं ये फॉरेन वर्कर के लिए, आप इसे खुद भी चाहे तो देख सकते हैं, मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो जैसे फ्रेंड्स आपको मैंने दिखा दिया है और आपने देख लिया है कि कालिंग वीज़ा किस किस कंट्री के लिए खुला हुआ है और क्या क्या फीस है और कौन कौन से सेक्टर खुले हुए हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।